मेरे जोगी कबीले की कहानी। दोस्तों, आज मैं अपने जोगी कबीले के इस काबती लिबास के साथ आपसे मुंतखब हूँ। जोगी कबीला सिर्फ गदागारी कबीला नहीं है, ये कबीला अपनी बीन की धुन पर शाम को बुलवाते हैं और बड़े लोगों के बच्चों का दिल बहलाने के लिए ये अपनी काबती लिबास और एक सांप, एक गोदड़ी, एक बीन जो सांप को मजबूर कर देती है इसके पास आने के लिए और अपने आप से सांप पर चुन कर देता है कि जोगी मैं आपका हूँ, अभी मुझ पर आपकी हुकूमत होगी। जोगी कबीला तारीखी कबीला है जो कि इस इंसान जात के लिए मिसाल है। अगर किसी को कोई सांप डस जाए या किसी के घर में सांप आ जाए, लोगों के घर से सांप निकालते बीन सांप के डसते हुए इंसान को अपना दुम और एक सांप के मनकने से इसका जहर निकालते हैं, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ इस कबीले का नामोनिशान ख़त्म हो गया है। आज के दौर में भी ये जोगी कबीला इंसान जात से दूर है, वो इसलिए कि ये कबीला अपने रंग और अपने लिबास की वजह से दुनिया से दूर है। मैं आतम कुमार जोगी कबीले का बेटा हूँ, मैं रात दिन एक कर रहा हूँ इस कबीले और इस कबीले को इसके हकूक दिलाने के लिए। जोगी सिंध का तारीखी कबीला होने के बावजूद आज के बढ़ते दौर में भी पीछे रह गया है। इस सिंध कबीले के मालकी करो और इस कबीले को इसके हकूक दो और सिंध ही होने का सबूत दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका अपना भाई आतम कुमार चौहान जोगी।